94 न्यूज, हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में और मल्टीकल के स्टॉल पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं अनीसुर रहमान साहब, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप सुनाएं। आप अपने ब्रांड के बारे में बताएं। हाँ जी, ये हमारा मल्टी कलर के नाम से पिगमेंट्स कलर है, मेन सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल के रिलेटेड हर चीज़ डाइज केमिकल्स हम मैनुफेक्चरर हैं फैसलाबाद में और ऑल ओवर द पाकिस्तान हम सेल करते हैं टेक्सटाइल मिलों को और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम यहाँ पे देखा हमने और बहुत अच्छा ये एग्जीबिशन का सारा इंतज़ाम किया हुआ है। अल्लाह ताला कामयाब करेगी। आज एक्सपो का पहला दिन है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन मतलब कस्टमर ज़्यादा आएंगे? हाँ जी, ये हमारा है ही टेक्सटाइल के मतलब है सारे टेक्सटाइल के मतलब तकरीबन बंदों से मुलाकातें हो रही हैं, आ रहे हैं, बंदे विजिट कर रहे हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं और वो हमारे हमसे सर्टिफिकेशन वगैरह, हमें इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है और हर चीज़ हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, उस हिसाब से हम उनको ब्रीफ करते हैं और वो हमसे सैम्पल्स वगैरह ले के वो चेक करेंगे, उसके बाद ये सारा टेक्सटाइल मिलों में ये प्रोसेस शुरू होता है। आप क्या ये समझते हैं कि एस टी एक्सपो का इनेकाद होना चाहिए? बिल्कुल, ये होना चाहिए। ये बहुत इंट्रोडक्टरी, ये बहुत बेहतरीन तरीक़ाकार है कि हम वैसे तो टेक्सटाइल मिलों को जिनको नहीं भी पता वो भी हमसे आके मुलाकात कर जाते हैं और हमको भी पता चल जाता है कि ये इदारे हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच सके अभी तक और वो वहाँ पे हमारा पहुँच हो जाती है वहाँ तक। अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएँ कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस लेवल की है? हमारा जो है सर्टिफिकेशन है वो सामने लगा हुआ है ZTIC ISO स्टैंडर्ड, हमने बाहर से सर्टिफिकेशन लिया है इसकी, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक है हमारी हर चीज़ और ये बाहरी एक्सपोर्ट वालों को ही हम देते हैं सबसे ज़्यादा, लोकल में भी इस्तेमाल होती है लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वाले ही हमसे लेते हैं जो एक्सपोर्टर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं एक्सपो में मौजूद हूँ और सोहेल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी कंपनी का नाम? जी हम टेक्सटाइल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है और हम लोग टेक्सटाइल जो प्रोसेसिंग केमिकल्स हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली अराउंड पिछले 20-22 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारे पास सारी जो जर्मन और जो यूके और इसके जो चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी हम इन हाउस पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं। हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बाद एक पहली कंपनी थी जो जिसने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाई थी वे बैक इन 2008 और उसमें आज हमारे पास जो बेसिक हमारी जो पोलीमराइजेशन होती है जो प्रोडक्ट्स की उस जो बेसिक ब्लेंडिंग से रहा था लेकिन जो पोलीमराइजेशन तक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हम पाकिस्तान की उन थोड़ी सी कंपनीज़ में से हैं जो ZTIC रीच और गॉड्स जो है अप्रूव्ड है और हमारे पास हमारे जो कस्टमर रेंज है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जितनी कुछ ब्लू चिप कस्टमर्स हैं पाकिस्तान के वो हमारे साथ काम कर रहे हैं किसी न किसी स्टेज के ऊपर, वो प्रोसेस में किसी न किसी लेवल पर हमारे केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। सर आज एक्सपो का पहला दिन है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक जो है वो ज़्यादा आएगी? बहुत अच्छा रहेगा जी, ज़रूर बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मेरा ख्याल है कि ये शुरू से ही ये जो डाइकेम वाले हैं
इन लोगों का बहुत बड़ा कलर एंड डाई कैमलेज है, इनका एक बड़ा नाम है और इनकी बड़ी सक्सेसफुल हिस्ट्री है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी जो एग्जीबिशन है वो कंडक्ट की हैं लाहौर कराची में मुख्तलिफ जगहों पर होती रहती है इनकी, और हमेशा मैंने ये देखा है कि टर्न ओवर बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे जैसी कंपनीज को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मुहैया है होता है जिसमें हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके शोकेस कर सकते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ बैठ के आप अपनी ऐसा एक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम फदवानी जन अदर रीज़न नहीं जा के अप्रोच कर सकते, वो यहाँ पे आते हैं उनके साथ आप डिटेल में मीटिंग भी कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी कम्युनिकेट कर सकते हैं, नए जो प्रोडक्ट आपका पोर्टफोलियो है वो उन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंडस्ट्री को जो है वो फ़ायदा पहुँचता है। एक छत के नीचे आप सब लोग जो है ना इकट्ठे होते हैं और इंडस्ट्री को जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये है कि अभी देखिए दो थर्स का यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको मुहैया होते हैं, एक तो ये अभी चाइनीज़ बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल हैं मेनली सारे चाइना और यूरोप से आते हैं, उसमें भी अगर मैं देखूँ तो 70-80% जो रॉ मटेरियल हैं वो सारे चाइना से इम्पोर्ट होते हैं, तो यहाँ चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं हम उनके साथ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये अगर पाकिस्तान के अंदर ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए, जैसे अभी रीजन के ग्लोबल जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बांग्लादेश डिस्टर्ब है और जो चाइना है वो इटसेल्फ अब जो बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे निकल के वो एडवांस स्टेज की तरफ जा रहा है, तो अब आप के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो टेक्सटाइल का बिज़नेस खासकर प्रोसेसिंग केमिकल्स का अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, और उसमें ख़ासकर एक चीज़ और भी ये है कि जैसे अब चाइनीज़ भी क्योंकि वहाँ उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं, तो चाइनीज़ का ऑलरेडी एक्सपोर्ट बेस तो है लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन बेस है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो ये जो प्रोडक्शन बेस है उसको हम किसी न किसी तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर रख के आप उसको वो उन चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके हम अपनी चीज़ें जो है ना वो लेके पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, और क्योंकि हमारी आज भी जो फैक्ट्री प्रोडक्शन इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमारे बहुत बेहतर नहीं है, और आज हम भी फिर भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर, आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट जो है खासकर ये जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग केमिकल्स की जो इतनी बड़ी इन अबंडेंस है आपके पास अवेलेबल है कि आप उसको एक्सप्लोर करें और एक अच्छे से अच्छे जो भी आप पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है? अंजुम इकबाल। अंजुम सर आप किस कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग प्रिंटेक्स जो है मैं उसका डायरेक्टर हूँ, और प्रिंटेक्स जो है ट्रेडिंग कंपनी है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो रही है, साथ हमारे जो चाइनीज़ हैं पार्टनर वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ट्रैवल करके आए हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को साथ डिस्प्ले में लेके आए। आज एक्सपो का पहला दिन है, क्या कह रहे हैं? आज एक्सपो का पहला दिन है, एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि अभी 12 बजे के बाद रश लगना शुरू होगा, अभी लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद नहीं है जितनी की एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वो चूँकि 2 दिन की एग्जीबिशन है तो होप कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद जो है ये क्राउड जो है वो बढ़ेगा। आप ये चाहते हैं कि ऐसी एक्सपो का इनेकाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अट्रैक्शन है, नई से नई इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचती है, तो ऐसे इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए लाजमी। आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी है और किस क्वालिटी की है? हम लोग जो है वो इस वक्त यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के काउंटर पर प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, और ये टी शर्ट्स प्रिंटिंग में और जो कपड़े हैं उस पर हर तरह की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होगी वो। थैंक यू जी। नाजी न्यू मदीना कलर कंपनी से फैजान साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मजीद डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इतना रीनोन नाम न्यू मदीना इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे मजीद आपके? सर हम मजीद तो यही कहेंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर हमें जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि बिज़नेस इंशाल्लाह जो है वो अच्छा चाह रहा है, इसके बाद पाकिस्तान भी जो है IT रेवोल्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर्स के लिए बिज़नेस करना आसान बनाएं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर थोड़ा बहुत हर्डल्स हैं जो हम रिमूव करेंगे, आने वाली जनरेशन जो है वो इसी पे है कि IT रेवोल्यूशन आए, ई कॉमर्स के थ्रू आप अपना ब्रांड जो है वो सेल करें, तो यही रेवोल्यूशन है और इसी पे वर्किंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद लोगों के लिए हम लोग इम्पोर्ट करके दे रहे हैं,
और हम लोग जो है दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी किसको जो है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं. वी आर द ट्रेडर्स, वी आर द इम्पोर्टर्स फॉर देम, और हम उनको प्रमोट करके लोगों को प्रोवाइड करें. सर कलर के हवाले से क्या चेंजिंग है? कलर के हवाले से सर हम नेचर जो है उसके हवाले से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं. आपको जैसे कि पता है जितनी पोल्यूशन वगैरह है, yes. तो हम इसके अंदर इनोवेशन लेकर आए हैं कि हम एक वन वॉश डाई लेकर आए हैं. ठीक है, इसके अंदर फ़ायदा ये है कि कंपनी जो है उसमें वाटर रिडक्शन कर सकती है, उससे उससे उनकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है. और फिर जो है हमें नेचर का भी ख्याल करना है. आपको पता है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं. फिर इसके बाद जो हम डंपिंग करते हैं वो भी रिवर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो हमारा सी वाटर सी जो है वो क्लीन रहे, फिर हमारे जो रिवर्स हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली हो. थैंक यू सर. जी नाजी, न्यू मदीना कलर कंपनी से फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. फरहान भाई, वन मैसेज अबाउट न्यू मदीना कलर कंपनी एंड वन मैसेज अबाउट एक्सपो. सर ये देखिए बहुत अच्छा आज लग रहा है कि सब बिजनेस कम्युनिटी हम सब एक साथ हैं. जी सर. और ऐसे हर वक्त इवेंट्स होने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे मुल्क में ऐसा एटमोसफियर लेके आए और ऐसा बेहतरीन प्लान करें कि हमारे इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लगे. प्लीज़ अब हमें इन चीज़ों को करना पड़ेगा. यस. अब हम इतना पीछे रह गए हैं. हमारे जो नेबर में इंडिया, बांग्लादेश, उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं आजकल. प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है. बिल्कुल. और हमें यहाँ पे चाहिए था कि इतना ज़बरदस्त पूरे दुनिया में हमें ऐसा एटमोसफियर देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा कि वहाँ से लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें. यहाँ पे हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज ज़रूरी है, इस वक्त बहुत हो चुका है. लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने से रोकें. यहाँ पे हमें बिजनेस को बढ़ाना है, अपने मुल्क को आगे लेके जाना है. अगर हम अपने मुल्क को आगे लेके नहीं जाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. अब ये जो आज चाइनीज आए हैं ये बेचारे डर डर के यहाँ पे पहुँचे. हमें ऐसी सिक्योरिटी देनी चाहिए. ऑलरेडी फेड अप हो चुके हैं. प्लीज़ गवर्नमेंट को, सबको बैठना चाहिए, पूरा प्लान करें. इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है, और हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है. हम पीछे नहीं रहने वाले, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारने वाले, और हमने इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है. प्लीज़ इंडस्ट्रियाँ लगाएं, कुछ प्लानिंग करें. हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आना चाहिए, और इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, डाइज में, गारमेंट्स में, हर चीज़ में. अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये कंपनीज बाहर चली जाएंगी, जो ऑलरेडी कितनी कंपनीज बाहर जा चुकी हैं. तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आए. सब जितनी भी मिस्टेक्स हुई है सब भुला दें, अब आगे की तरफ देखें हम लोग. प्लीज़ बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. नाजी, यूनिक मिनरल से रोशान समर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रोशान भाई क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहना चाहेंगे यूनिक मिनरल्स के वाले से? अच्छा, हम अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं. हमारी यूनिक मिनरल कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये थर्ड जनरेशन है. इसमें हम पाकिस्तान बनने के पार्टीशन के बाद से हम इस बिज़नेस में हैं, और हम जो है अभी इस सॉल्ट को हमने इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं. अब हमारा जो सॉल्ट है ये 60+ कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है. मेन जो है हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से एक्सपोर्ट होता है. उसके अलावा हम यहाँ पे लोकल पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी इसको सॉल्ट को सप्लाई करते हैं एज अ केमिकल. उसमें टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई होता है. उसके अलावा जो है हम खाने वाला सॉल्ट वो भी लो इधर लोकल इंडस्ट्री में भी देते हैं. और इसके अलावा हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सॉल्ट लैंप्स हैं, सॉल्ट टाइल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें इस तरह हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. केमिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है? जी बिल्कुल, केमिकल में भी ये इस्तेमाल होता है. ये टेक्सटाइल डाइंग में बेसिकली यूज़ होता है एज आ उसको जो फैब्रिक होता है उसको जो है जो डाई जो होती है जो कलर जो पड़ता है उसको पक्का करने के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है. उसमें बहुत बेसिक इसकी ये केमिकल है सॉल्ट, उसमें ये इस्तेमाल होता है. एक्सपो का फर्स्ट डे फुटफॉल कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल हम बहुत अच्छा देख रहे हैं. यहाँ पे जिस तरह के लोग आए हुए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान के बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं हमारे उनके परचेजर यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम तो बहुत ही अच्छा एक फील करेंगे. हमारा हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया और हमारे लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है. इसको हम कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मदद करें हमारी. थैंक यू जी. नाजी, श्रृंगार एवर शाइन से इजहार अजीज साहब हमारे मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सर श्रृंगार शंघाई इसका शंघाई सर शंघाई के बारे में थोड़ी अपडेट दें जी. हमारी कंपनी बेसिकली शंघाई में है. ओके. चाइना में, इसलिए हमारा नाम कंपनी का शंघाई एवर शाइन चाइना में. ओके. और ये चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेक्सटाइल केमिकल की, और हमने हम ब्लॉक सिलिकॉन ऑयल भी हम खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. और जो पाकिस्तान में हमारी कंपनी है वो है शंघाई एवर शाइन मटीरियल के नाम से. ओके. एवरशाइन उसमें शंघाई नहीं है, एवरशाइन मटीरियल के नाम से पाकिस्तान में कंपनी है. मैं एज ए डायरेक्टर उसको लीड कर रहा हूँ कंपनी को, और मैं मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है.
और हम उसको काफ़ी अच्छा हमारा प्लान है, बीस पेंट कर रहा हूँ, हमारा प्लान है कि हम इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएँ। और इवन कि हमारा ये है कि हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें इसकी अपनी केमिकल की। तो बस इंशाल्लाह ताला काफ़ी ये एक्सपो पे हम आए हैं और काफ़ी एक्सपो वालों का मैंने शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताएं। प्रोडक्ट देखिए हमारे पास होता है कि फिक्सर है जो होता है, जो कपड़े को कलर को फिक्स करने के लिए होता है, और सॉफ्टनर होता है। हम नंबर वन इसमें इस टाइम जा रहे हैं चाइना में, हमारी एक प्रोडक्ट है फ्लफिंग एजेंट होता है, वो हमारी इस टाइम चाइना में नंबर वन जा रही है, ठीक है। और जिसपे हमारा ये हमारी कैटलॉग भी है जिसमें हमारी सारी प्रोडक्ट्स हमने अपनी रेंज बड़ी इजी टू वे हमने किया हुआ है। और हम क्लाइंट को असल में हमारा बेसिक जो पर्पज़ है ना वो है कि क्लाइंट को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना, ऑन नॉट फॉर ओनली सेल केमिकल, ऑल कंपनी विल सेल ओनली केमिकल एंड गो, बट वी कैन स्टैंड हियर एंड वी कैन सपोर्ट टू एवरी वेयर फॉर द टेक्निकल सपोर्ट, इफ एनी प्रॉब्लम फॉर द डाइंग फिनिशिंग एनी डिपार्टमेंट एनी प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व, बिकॉज वी हैव अ टीम फॉर वेरी गुड टीम विद अ टेक्सटाइल ग्रेजुएट ओवर सीईओ मिस्टर अमान is a also technical, a very good guy, and because he know every about the knowledge for textile, chemical, everything. And in China name is a Mr. Q Jin, and in Pakistan name is a Mr. Aman. Two name. Q Jin, Q Jin, because he's a very lot of knowledge. He's a master of dyeing, and he know about the chemicals, dyeing process, for the laboratory test, everything. Because he know he making the chemical by himself. And that's why he will come in Pakistan and live in 1 month in Pakistan and very good give experience in the with the client. And when we meet to client say first Chinese I can meet, he have a knowledge, because before he say don't have some, I also have experience with some Chinese company I can work, but now this is I'm not asking this is best, but all other people for the client asking is the best company. Today's first day of Expo. Tell me about footfall. Tell me about Expo. Because first day Expo. First of all, I can thank for the management team. Was the very good management. The everything is even I have some problem with the electricity. I will just one call, then team will come and the solve the problem. The very good management. I am also thank for the chairman. Because he come every booth one by one. He will check by personally. That's his greatness. The chairman of this expo will come and go everywhere and asking everybody have anything need, okay. And because I, in before my thinking, the chairman only go to the biggest booth, because no, because he will come here also. And he will come also little booth, where everywhere. No, he no have a distance. This is a big, this is a no. With very good respect for the all Chinese. I'm very thankful for the chairman of this expo, and also very good management, clean everywhere is very good. That is the good. And also because now you know first day client will come very close to it, maybe tomorrow, and also but over have everywhere you can see every time full. You know, you are looking charming like groom. Yeah, good. Thank you, nice to meet you. नाज़रीन अल रियाज एजेंसी से ईमान सा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद अल रियाज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल रियाज के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे लोगों को। हम एक इंडेंटिंग हाउस हैं, बेसिकली पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उनको कोई भी केमिकल मंगवाना हो डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, हम उसको इम्पोर्ट करवा के
पाकिस्तान में मंगवा के देते हैं, कोई भी रीजन हो जाए. तो बेसिकली अल रियाज इज़ प्रोवाइडिंग एवेन्यूज फॉर द इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड. तकरीबन कितना टाइम हो गया रियाज को मार्केट में? आर कंपनी हैज़ बीन इन पाकिस्तान मार्केट फॉर लास्ट 78 ईयर्स. सिंस 1948 वी आर इन द मार्केट एंड वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स. हमने बहुत स्मॉल सेटअप से स्टार्ट किया था. नाउ वी हैव 6 डिपार्टमेंट्स रनिंग जिसमें हमारे पास पॉलीमर्स है, यार्न्स है, फाइबर्स है, फैब्रिक्स है, केमिकल्स है. कैसा फुटफॉल का फर्स्ट डे था? अमेजिंग, अमेजिंग. वी हैव हमारे पास ट्रेडर्स आए, हमारे पास एंड यूजर्स आए, हमारे पास सप्लायर्स हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं. इट्स अमेजिंग. हाउ इज गोइंग योर बिजनेस नाउडेज? द बिजनेस इज गुड. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पाकिस्तान शैल डू मोर बेटर इन द कमिंग मंथ्स. बट यस, द होप इज हाई. वी आर वर्किंग हार्ड एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान विल प्रॉस्पर. थैंक यू. जी नाजरीन, एटीएम से आज तारिक महमूद साहब, उनके ग्रुप के बाकी टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं एटीएम के बारे में. मुझे अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर क्या कहना चाहेंगे, अपडेट दें थोड़ी एटीएम के बारे में. सर एटीएम बेसिकली हमारी कराची की कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सर्टिफिकेशन के साथ हमने यहाँ अपना स्टॉल लगाया है. हमारे पास ZDSC लेवल 3, गॉड्स, रीच, ब्लू साइन और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से हम कम नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और हमारा कराची में भी बहुत अच्छा काम है. YTM, गुल अहमद, अलकरम जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर हैं. और लाहौर में भी हमारे सफ़ायर, इंडस और फैसलाबाद में भी हमारे अच्छे कस्टमर. मास्टर टेक्सटाइल हमारे तकरीबन कोई 8-10 साल से कस्टमर है. ओके. और उनकी सबकी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से दे आर ऑल सेटिस्फाइड विद अस. और नए नए इनोवेशन करते हैं हम. हमारा पूरा एक R&D डिपार्टमेंट है और नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. बिल्कुल जैसे जैसे मार्केट की पोजीशन होती है वैसे वैसे हम डेवलप कर रहे होते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी काफ़ी ग्रिप है. हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है. ठीक. और हमारे पास अपने रिएक्शन वेसल्स हैं सारे जिसमें हम प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं. सर अभी 2024 का अगस्त की अब एक्सपो जा रही है इस वक्त है, अभी क्या हालात हैं? हालात सर एक्सपो तो अच्छी लगी है. काफ़ी आए हैं एग्जीबिटर, चाइना के भी आए हैं, लोकल भी काफ़ी हैं. तो इंशाल्लाह फ्यूचर तो है, लेकिन अभी टेक्सचर के हालात थोड़े पतले हैं. देखें गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है. गैस बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं. जब तक ये कीमतें कम नहीं होती तो इंडस्ट्री उठेगी नहीं, ये मस्ट है. क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसी एक्सपो होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. देखें इसमें एक छत के नीचे लोगों को अवेयरनेस मिलती है. ठीक है, कस्टमर्स के हवाले से भी और जो एंड यूज़र हैं उनके हवाले से भी, तो लगनी चाहिए. बहुत अच्छा इवेंट है ये. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी नाज़रीन, रेनबो से फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं रेनबो के बारे में मज़ीद अपडेट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फैसल भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है. फैसल साहब, रेनबो के बारे में कौन नहीं जानता, बड़ा रिनोन ब्रांड है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह. अभी न्यू अपडेट क्या है? न्यू अपडेट ये है कि हम ऑलरेडी जो है ना केमिकल्स फॉर टेक्सटाइल के लिए जो है ना वो तो काफ़ी ईयर्स से कर रहे हैं और अब हमने जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया फैसलाबाद में फॉर डिजिटल प्रिंटिंग इंक. और आजकल हम उस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं. आजकल ज़्यादा डिमांड है डिजिटल प्रिंटिंग की? जी जी सर. अब देखें चूँकि पानी की एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है और पानी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जितना डिजिटल प्रोसेस होता है उसमें इन सब चीज़ों की जो है ना वो कॉस्ट जो है वो कटेल हो जाती है बेसिकली. और उसका प्रोसेस भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म होता है, तो जिसकी वजह से होता है कि आपकी कॉस्ट नीचे आती है और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा निकलती है. तो कन्वेंशनल जितना भी जो पीरियड था ना वो आहिस्ता आहिस्ते वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है और लोग डिजिटल की तरफ आते जा रहे हैं. तो इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पाकिस्तान में वी आर द पाइनियर्स हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं. सर जैसे आपने कहा कि लोग डिजिटल की तरफ आ रहे हैं. जी जी. तो आई थिंक सो कि जो इसका जो ऑपरेटिंग मेथड है वो भी हट के होगा. जो पुराने लोग काम कर रहे हैं मैनुअल, उनके लिए थोड़ा टफ है ये? डेफिनेटली देखिए चीज़ों में इनोवेशन तो हर सेगमेंट के अंदर होती जा रही है ना, तो ये नो डाउट कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टोटली कंप्यूटराइज्ड है, तो इसकी लेबर भी जो है ना वो बिल्कुल ट्रेंड होती है. और पुराना कन्वेंशन इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, बट डे बाई डे जो है ना वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है और डिजिटल वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है. वन मैसेज अबाउट एक्सपो. शॉर्ट मैसेज ये है कि ये एक्सपो होते रहने चाहिए. इससे कस्टमर्स का भी बेनिफिट है और इसमें सप्लायर्स का भी बेनिफिट है और इवन जो पाकिस्तान से बाहर जितने लोग आए हुए हैं, चाइनीज आए हुए हैं, उनके लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता. गुड, हो गया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर.
जी नाजिन अरबाब सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्टार कलर से वाले से इनका ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम। सर, स्टार कलर बड़ा रीनोन ब्रांड है पाकिस्तान का, अभी न्यू अपडेट क्या देना चाहेंगे? न्यू अपडेट हमारी ये है जी, ये इस एग्जीबिशन कलर एंड केमी के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर भी हमने इसको पार्टिसिपेट किया था, बड़ा अच्छा इवेंट था। और हमारे पास जो प्रोडक्ट की इन्हेंसमेंट है वो डे बाय डे, आपको पता है विद दी पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन होती है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो फार्मुलेशन हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी अपग्रेड हुई है विद दी पैसेज ऑफ टाइम। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मार्केट के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन है डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंदर। सर, कोई नई अपडेट भी की है, कोई नया भी चीज़ को ऐड किया आपने? हाँ जी, पहले हम पिछले साल तक हम रिएक्टिव विंग्स को कर रहे थे, और जो कि आपके बेसिकली जो कॉटन बेस्ड जो फैब्रिक होता है उसको प्रिंट करती है इंक्स हमारी। और इस दफ़ा हमने सब्लिमेशन इंक्स को भी इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल के ऊपर वो हमारी सेल हो रही है उसकी। और वो जो इंक्स हैं वो बेसिकली पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक को प्रिंट करती है। अच्छा सर, आई थिंक सो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो स्टाफ है जो अभी इतने अनपढ़, आपको पता है लोग हैं मैसेज, तो अब नई चीज़ों के साथ नए लोग अटैच हो रहे हैं, तब जाके मेरे ख्याल काम वर्किंग हो रही है। नहीं, इसके अंदर ये है कि जब से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर डिजिटल प्रिंटिंग की इनोवेशन आई थी, तब से अब लोग वेल ट्रेंड होना शुरू हो गए। उससे पहले जो कन्वेंशनल प्रिंटिंग था वो सेक्टर ऐसा था कि जिसमें जिसके अंदर वो पुराने टाइप के लोग थे, उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है, लेकिन वो वेल नोन नहीं थे अपनी एजुकेशन के साथ और टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग उनके पास नहीं थी। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है, अपग्रेडेशन आई हैं, तो वो अब सोशल मीडिया के ऊपर भी समझ लें कि वो सारी लर्निंग है, ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, और अब हर किसी ने अपने आप को अप टू डेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी स्टार कलर तकरीबन कितनी कंट्री के साथ आप अटैच हैं? स्टार कलर्स के साथ मेरी जो अटैचमेंट है ऑलमोस्ट 14 साल हो गए जी मुझे। और क्योंकि हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो हम्बल टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो पाकिस्तान की वेल रिनाउंड कंपनी है डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पहली कंपनी है जिसकी ये आप कह लेंगे ये एक कंपनी है जिसको हमने स्टार कलर्स, यानी जो कलर्स हैं हमारे, हम उनकी प्रोडक्शन करना शुरू हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।